चल 4 किलोमीटर घूमने के बाद फिर वापस आ गए। इनका डेस्टिनेशन देखो राजमहल रानी महल उधर है जोड़ी और कुछ नहीं पूरा पत्थर से चिपका हुआ है। इंडिया का थप्पा लगा है मुक्तांगन का ही एरिया बिना कर लेते हैं। ये परमिशन है यहाँ पता नहीं कमेंट में बताइएगा कि ये है क्या। अमेजिंग हमें तैयार हो जाएगा बन के पोलंग मट्टा जनजाति देवी देवता है। चलिए देखते हैं ऊपर क्या इंटरेस्टिंग बुलाइए यहाँ से देख सकते हो बैठे यहाँ जुड़े लोग कब्जा करके बैठे रहते हैं हर जगह में जहाँ देखो वहाँ दोस्तों। चल ही जीवन है दोस्तों चेस पर जा कैसे डांस करते हैं कौन सा डांस दिवाली में जो डांस करते हैं ना वो ऐसा है ब्रांड यहाँ बोला त्यौहार गिड़ी वाला टूरिस्ट लोग का चल रहे हैं ब्राह्मण। ये भी म्यूजियम है दोस्तों सब पसंद आया है इसमें से तो आइसक्रीम खा लेना ठंडे में आओगे तो पॉपकॉर्न खा लेना। मैं तो अभी भैया से नींबू पानी पिया हूँ। And the candles glitter like you're in a thriller. Hot cause pom pom pom. Ghostly figures they can get so bitter. Show you want to until you can turn back to. You don't know where I've been. What's going on inside? Where the monsters like to come alive? Come alive. Do you really wanna know me? I'm really not that cozy. It's up to you, so you decide. You decide. Would you love me? Try to break me like a curse, you know that will never work. I'm a little bit absurd. I like dancing on the verge. तो मैं मुक्तांगन पहुंच गया हूं। चलिए देखते हैं आज तो भीड़ बहुत कम है पहले टिकट लेते हैं अंदर चलते हैं फिर आपसे बात करते हैं। चलिए सबसे पहले टिकट लिया जाता है यहाँ टिकट का ये देख सकते हो डैशबोर्ड। चलिए लेते हैं हाँ ठीक आधा हम लोग रखते हैं आधा अपन देख सकते हैं गाड़ी में खड़ी है टूरिस्ट लोग के लिए। ये वाला सीन जोरदार है दोस्तों भाई तो इसके अलावा तो देखो क्या तबाही है रहा। सबसे पहले बस्टर आर्ट का ही है यहाँ पहला जो बना है देख सकते हो और वो सामने म्यूजियम टाइप बना है वहाँ कलाकृति पूरा बनी हुई है छोटे छोटे। और ये दो लोग स्वागत करते हुए खड़े हैं यहाँ लाठी पकड़ के शिल्पग्राम तो आगे बताया जा रहा है शिल्पग्राम इधर। चलिए देखते हैं सभी जगह पानी दिया जाता है दोस्तों यहाँ टाइम टू टाइम देख सकते हैं दोपहर में भी दिया जा रहा है सभी जगह देखते हुए इतनी सारी मूर्तियाँ हैं दोस्तों आगे दिखाता हूँ आपको। ये उनमें से एक भाईचारा से रेसिप करते हुए हिंदू मुसलमान सब भाई भाई दोस्तों यहाँ दिखाता हूँ आपको एक बार ये बना है इतना सारा बना है देख सकते हो ये माता जी बच्चे को पकड़ी है और ये चीनी हथौड़े से अपने कार्य में लगे हुए हैं। बहुत बड़ा है दोस्तों यहाँ किधर जाऊँ कुछ समझ नहीं आ रहा है अभी तो। आमचो गांव जाने से पहले कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ। चलिए ठंडे पानी की व्यवस्था है ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि इतने गर्मी में घूमते घूमते पानी तो आदमी चाहिए। आगे जो आप देख रहे हो वो जंगली सुअर है देख सकते हो दो ठो बनाया गया है कला मूर्ति में प्रदर्शित किया गया है इधर। और ये है हमारे भैंस जंगली भैंस पहले ऐसी दिखता था देख सकते हो सींग बड़ा बड़ा रहता था पहले। और ये आप देख रहे हो रथ है ये बस्तर में पहले बनाया जाता था लकड़ी का प्राचीन काल का देख सकते हो दोस्तों।
काला काला। ये आप देख सकते हैं, बना है फोटोग्राफी के लिए। मैं तो अकेले आया हूँ, ये तो मैं भी खिंचाता है, और ये जोड़े लोग के लिए। ध्रुवा होले एक आवाज गिरी। चलो देखते हैं अंदर क्या है। ये बांस का कुटिया है पूरा, देख सकते हैं। अंदर भी शायद कुछ कुछ बना है, आपको नहीं दिखेगा, देख सकते हैं। इधर कुछ ऐसे धान को कूटने वाला ये लकड़ी से बनाया है। दोस्तों घेरा देखो, पूरा पत्थर से हुआ है। पुराने हमारे जो प्राचीन काल के लोग थे वो ऐसी घेरा करते थे, देख सकते हो आप। और ये कुछ बना है एक और कुटिया जो ऊपर बना है जमीन से, देख सकते हो। दोस्तों देखो ये कितने सारी चीज़ों को दर्शा रही है छोटे छोटे हिस्से में, देख सकते हैं। हिरन, ऊंट, इंसान, घर सब हैं। और अंदर दिखाऊं तो देख सकते हो कितनी सारी मूर्तियां बनी हैं। और ये शादी या कुछ डोला है, पूरे मिट्टी से बनी है। ऊपर देखोगे ये देखो, ये एक और घर है दोस्तों, जहां सामने में पूरा लकड़ी लगा है, देख सकते हैं। और इसमें भी कुछ कुछ छपा है, देख सकते हैं, शेर, भालू, इंसान। ये छोटे जंतु, जीव जंतु के लिए घर बनाए थे, झोपड़ी टाइप। और आगे कुआं है, प्राचीन काल कुआं को दर्शाते हुए। पीछे बाड़ी है, ये पेड़। ये भोराम देव का कुछ आर्ट, पूरा पत्थर है। अंदर मूर्ति है शिवलिंग। ये क्या हो गया यार, गाड़ी का स्टेपनी ही नहीं है, स्टेपनी लगा देते। अरे इंजन भी नहीं है, पीछे इंजन होगा तो ये शायद पंचर हो गया, यहीं पे खड़ी है गाड़ी, देख सक रहे हो आप। चलिए दोस्तों ऊपर चढ़ के देखते हैं कि क्या है। ऊपर आने के बाद ऐसे एक ही मंदिर सा बना है, और एक मूर्ति यहाँ है जो यहीं स्थापित है। दोस्तों एक और हिस्सा है, गुफा है। ये पानी कहाँ से है, इसी को बड़ा एंगल में बनाते तो बोटिंग भी कर पाते लोग। चलिए देखते हैं अंदर में है क्या, फ्लैश जला लेता हूँ। अरे आगे तो बंद है दोस्तों, शायद बस यहीं तक था। अंदर क्या है, मूर्ति है शायद, आगे मूर्ति है, देख सक रहे हो, और कुछ भी नहीं है। हालांकि छोटा बना है दोस्तों, लेकिन बहुत सुंदर दिखता है। ये पूरा पत्थर से चिपका हुआ है, पत्थर से बना है पूरा। ये दो रास्ता और एक यहाँ से है। आगे का डेस्टिनेशन देखो, राजमहल जाने वाले हैं अपन। चलिए बने रहे वीडियो में। तो कुछ पास आने के बाद ऐसे दिखता है, अंदर देखते हैं क्या है माहौल, ऊपर जाने का रास्ता है कि नहीं है। चलिए बने रहें आप, चलते हैं। से गर्मी काफ़ी हो रखी है दोस्तों, मार्च जो लग गया है। इधर है सीढ़ी, चलो ऊपर जाने का रास्ता तो मिल गया। चलिए फटाफट दिखाते हैं आपको, बिना टाइम वेस्ट करें। ये सेकंड मंजिल बोल सकते हैं। हो ये है सामने का, कुछ ऐसा दिखेगा ऊपर आने के बाद। वो नई बिल्डिंग बन रही है नया रायपुर का, और इधर है पूरा मुक्तांगन का ही एरिया। हो दोस्तों यहाँ ना बहुत लोग आते हैं पिकनिक, टूरिस्ट जो यहीं अंदर अपने अपने
बना के ही खाना पीना कर लेते हैं, ये भी परमिशन है यहाँ। देख सक रहे हो टायर लग गया है दोस्तों, देख सकते हो। मेड इन इंडिया का थप्पा लग ये क्या है दोस्तों, देखो फल टाइप है, पता नहीं, कमेंट में बताइएगा कि ये है क्या। मेरे को तो पता नहीं कि है क्या ये, देख लो। चलो एक बढ़िया ही कलाकृति देखने वाले हैं हम लोग, लकड़ी से बना है पूरा। वाह अमेजिंग, पूरा लकड़ी से बना है दोस्तों, क्या आर्ट है यार। तो एक यहाँ से और रास्ता है ऊपर जाने का जहाँ हम लोग गए थे, तो यहाँ भी खपरे से बना हुआ घर है, देख रहे हो। इधर भी पूरा बना हुआ है। तो आगे और कुछ बन रहा है, नया प्लानिंग चल रहा है, देख सकते हो कुछ महीनों में तैयार हो जाएगा बन के। और ये सामने अपना, आगे चलते हैं, ये गाड़ी चलती हुई लग गई। ऐसी मूर्तियां सभी जगह बनी है दोस्तों, देख सकते हो। ये पेड़ पौधे भगवानी, बस्तर का दशहरा। अंदर कुछ ऐसे बना है, अरे यार पूरा दीवार में बना है, इतनी सारी इतिहास पूरा गोल। और ये है बैठने का, पोलंग मट्टा, जनजाति देवी देवताएं। चलिए देखते हैं ऊपर क्या है इंटरेस्टिंग। सीढ़ी का तो बुरा हाल है दोस्तों, आगे देखते हैं क्या दिखता है नज़ारा। ये वहाँ का पानी टंकी है, पूरा सप्लाई यहीं सो रहा है, देख सकते हो ऐसा कुछ दिखता है ऊपर आने के बाद। बप्पा जी उधर बैठे हैं, देख रहे हैं, देख सकते हो। अगर आप यहाँ आते हैं कभी भी तो आपको सबसे ज़्यादा जोड़े लोग दिखेंगे, क्योंकि यहाँ जोड़े लोग कब्जा करके बैठे रहते हैं हर जगह में, जहाँ देखो वहाँ दोस्तों। जल ही जीवन है दोस्तों, चेस। ऐसा कुछ आगे गार्डनिंग है, इधर भी गार्डनिंग है, जगह जगह गार्डनिंग, शिलान्यास है। और ये है दोस्तों सतनामी समाज के पंथी नाचा, देख रहे हो बनी है मूर्ति, ऊपर जा कैसे डांस करते हैं। यह यहाँ का सबसे बड़ा लंबा घर है, जो कि बना है शायद सीमेंट से बना है, ये बहुत बड़ा है दोस्तों। ये देखो यहाँ चल होता है, यहाँ उधर और है, तो मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ा है यहाँ का घर, लंबे चौड़े हिस्से में। और इधर है आदिवासी लोग का नाचा प्रदर्शित करते हुए, देख सकते हो महिलाएं लोग आगे हैं डंडा लेकर, पीछे बाजा बजाते हुए आदमी। और उधर है जोड़े, और कुछ नहीं और तो चलो दिखाते हैं दोस्तों आगे, जो देख सकते हो जस्टिस कर पा रहा हूँ वो पता नहीं मेरे हिसाब से क्या है, कमेंट्स में बताना क्या है, कौन सा डांस है। ये है सासुआ नाचा, देख रहे हो, अरे वो है बताइएगा कौन सा है, मेरे तो समझ नहीं आ रहा है। हाँ ये है दिवाली में जो डांस करते हैं ना, वो है शायद। और ये है शादियों में डांस करने वाला, और उधर जो साइड में देख रहे हो वो है पोला त्योहार गेड़ी वाला। ये है ब्रांड यहाँ का पुरखौती मुक्तांगन,
आगे टूरिस्ट लोग का चल रहे हैं ब्राह्मण। ये भी म्यूजियम है दोस्तों, लेकिन बंद है, नहीं तो दिखाता आपको। अंदर कुछ ऐसा है, सोफा पर सेट है, एसी है, शायद ये खुलते हैं कुछ खास समय में। ये मुखौटा बना हुआ है पूरा सीमेंट से, बड़ा बड़ा देख सकते हो, पूरा बना है ये देख सकते हो। बताइएगा आपको कौन सा पसंद आया है इसमें से। तो बताया जा रहा है कि वो गेस्ट हाउस है, और यहाँ भी मूर्तियाँ बनी है जो लोहा से बनी है दोस्तों, ये पूरा बनी है। कुछ ऐसा है गेस्ट हाउस जहाँ है लोग अभी निवास कर रहे हैं। तो ये दोस्तों हम लोग टोटल 4 किलोमीटर घूमने के बाद फिर वापस आ गए, जहाँ से हम लोग चालू किए थे वहाँ आ गए। आगे बात करते हैं आपसे। चलो दोस्तों, यहाँ खाने पीने का है, गर्मी में आओगे तो आइसक्रीम खा लेना, ठंडी में आओगे तो पॉपकॉर्न खा लेना, ये कुछ ऐसा है यहाँ का। मैं तो अभी भैया से नींबू पानी पिया हूँ बस। तो भाई बहन, वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर से बताएं कमेंट में। अगर कुछ खामी या कमी महसूस हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो देखने पर थैंक यू।